दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 9 जनवरी 2022 की 12 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी भर्तियों के लिए यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 30,000 से अधिक वैकेंसीज निकली है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 12 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की यानी के 9 जनवरी 2022 की 12 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। कॉन्स्टेबल और फायरमैन की यहाँ पर पोस्ट निकली है। बम्पर वैकेंसीज निकली है। टोटल 26,382 वैकेंसीज है। इसमें कॉन्स्टेबल के लिए 26,210 वैकेंसीज है जबकि फायरमैन के लिए 172 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2022 में स्टार्ट होगी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की मार्च 2022 है। सैलरी यहाँ पर 21,700 से 69,100 है प्रति माह के लिए। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मेल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 23 वर्ष है जबकि फीमेल के लिए 18 से 26 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस ऑल कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये है जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पे। बात अगर फिजिकल डिटेल की जाए तो इसमें हाइट यहाँ पर मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 है और मेल एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है। फीमेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 है जबकि फीमेल एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात की जाए तो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। जनरल ओबीसी एससी के लिए 79 है बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 84। मेल एसटी के लिए 77 बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 82। यानी कि यहाँ पर चेस्ट में फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। बात अगर रेस की जाए तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। upbpb.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है आदर्श विद्यालय संगठन में। शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। टीचिंग सेक्टर के अंतर्गत टीचर की यहाँ पर बड़ी भर्ती की अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट है टीजीटी, पीजीटी, पीईटी, प्रिंसिपल, कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की यहाँ पर टोटल 1,749 वैकेंसीज निकली है। बात अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 21 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 फरवरी 2022 है और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 22 फरवरी 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो टीजीटी के लिए 44,900 है, पीजीटी के लिए 47,600 है, पीईटी के लिए 25,300 है, प्रिंसिपल, कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन के लिए 67,700 है प्रति माह के लिए। बात अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए 32 से 50 वर्ष है, अदर्स कैंडिडेट्स के लिए 21 से 32 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो प्रिंसिपल के लिए 2,000 है, प्रिंसिपल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1,250 है, अदर टीचिंग पोस्ट और लाइब्रेरियन के लिए 1,500 है, अदर टीचिंग पोस्ट और लाइब्रेरियन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी 1,000 रुपये फीस है जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, इंटरव्यू, परफॉर्मेंस टेस्ट के आधार पे। इस भर्ती के लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। oav.edu.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में।
बिजली विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जेई, असिस्टेंट अकाउंटेंट, केमिस्ट ग्रेड सेकंड और लैब असिस्टेंट की 134 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। इंपोर्टेंट डेट्स की अगर इसमें बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 28 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 27 फरवरी 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 29 फरवरी 2022 है। सैलरी जूनियर इंजीनियर के लिए 44,900 है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 29,800, केमिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए 36,800, लैब असिस्टेंट के लिए 27,200 है प्रति माह के लिए। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो 12th डिग्री, पीजी डिग्री, डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष है जेई और लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए, और मिनिमम 21 वर्ष है असिस्टेंट अकाउंटेंट और केमिस्ट पोस्ट के लिए। मैक्सिमम सभी पोस्ट के लिए 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये है, एससीएसटी के लिए 826, पीएच दिव्यांग के लिए भी 12 रुपये फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। upRVUNL.org ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बीओबी के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की। यहाँ पर 105 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2022 से चल रही है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 27 जनवरी 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 15 से 18 लाख है प्रति वर्ष के लिए, और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए आप यहाँ से पोस्ट वाइज सैलरी नोटिफिकेशन से ही चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 22, 23, 24, 25, 26, 31 और 33 वर्ष है। मैक्सिमम 35, 40, 45 और 50 वर्ष है अलग अलग पोस्ट के लिए। बात अगर फीस की जाए तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये है, एसएसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के आधार पे, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। bankofbadoda.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जिला अदालत के अंतर्गत भर्ती है। प्योन चपरासी की पोस्ट है। वैकेंसी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 जनवरी 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो 15,600 से 49,400 है लेवल 1 के अंतर्गत। पांचवी पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू से चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है district.ecourt.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट या सर्वे एसोसिएट या सीनियर रिसर्च एसोसिएट की, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, ऑफिस असिस्टेंट और अकाउंटेंट की। वैकेंसी आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 जनवरी 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट के लिए 60,000 है, कंसल्टेंट के लिए 45,000 है, एसोसिएट की पोस्ट के लिए 30,000 है, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए 23,000 है। यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 25,000 रुपये सैलरी है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 40 और 65 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। NCERT.NIC.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। HAL के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है यहाँ पर ग्रेजुएट ट्रेनी अप्रेंटिस, डिप्लोमा ट्रेनी अप्रेंटिस की। 150 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इंपोर्टेंट डेट की जाए तो स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 7 जनवरी 2022 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 19 जनवरी 2022 है।
सैलरी की बात की जाए तो ग्रेजुएट ट्रेनी अप्रेंटिस के लिए 8,000 है, डिप्लोमा ट्रेनी अप्रेंटिस के लिए 9,000 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन है इसमें डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। क्वालिफिकेशन के साथ साथ में बात अगर एज लिमिट की जाए तो अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आयु सीमा तय की जाएगी। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा, मेरिट से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, हैदराबाद तेलंगाना जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। haldesindia.co.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एड हॉर्टिकल्चर में, शुष्क बागवानी के लिए केंद्रीय संस्थान के अंतर्गत भर्ती निकली है। यंग प्रोफेशनल फर्स्ट की यहाँ पर पोस्ट है, वैकेंसी जो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। बात अगर इंपोर्टेंट डेट की जाए तो इस भर्ती के लिए आपको डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू की डेट है 28 जनवरी 2022, सुबह 10:30 बजे आपको इंटरव्यू अटेंड करना होगा। 25,000 रुपये सैलरी है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट बीकॉम बीबीए बीबीएस से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 45 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के होगा, इंटरव्यू के आधार पे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। बीकानेर राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। cih.icr.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में, लोक सेवा आयोग पीएससी के अंतर्गत ये भर्ती है। सिविल जज की पोस्ट है, वैकेंसी जो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। बात अगर इंपोर्टेंट डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 जनवरी 2022 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 20 जनवरी 2022 है। फाइनल सबमिशन की लास्ट डेट भी 20 जनवरी 2022 है। बात अगर यहाँ पर इसकी यहाँ पर पे स्केल की जाए तो 27,700 से 44,770 है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट इन लॉ LLB से आप अप्लाई कर सकते हो। 23 से 35 वर्ष आयु सीमा है। URSCBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस है। SST PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री रिटर्न एग्जाम, मेन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। opsc.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है अन्ना यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर पोस्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, प्रोफेशनल असिस्टेंट फर्स्ट, प्रोफेशनल असिस्टेंट सेकंड, क्लेरिकल असिस्टेंट की। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी जहाँ पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 जनवरी 2022 है। बात अगर सैलरी की जाए तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर के लिए 25,000 से 30,000 है प्रति माह के लिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 797 प्रति दिन के लिए है। प्रोफेशनल असिस्टेंट सेकंड के लिए 748 प्रति दिन के लिए है। क्लेरिकल असिस्टेंट के लिए भी 470 रुपये प्रति दिन के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BBTech, MC, MBA, MSc, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। अन्ना यूनिवर्सिटी रूल के अकॉर्डिंग ही आयु सीमा तय की जाएगी। फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। चेन्नई तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। annayuniversity.edu ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। अकाउंटेंट की पोस्ट है, वैकेंसीज आप नोटिस से चेक कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 17 जनवरी 2022 है। 35,400 सैलरी है प्रति माह के लिए। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स से आप अप्लाई कर सकते हो। CRID रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। स्किल असेसमेंट टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। cridlc.edisa.gov.in एज की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 12th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है साउथ इंडियन बैंक में, बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत प्रोबेशनरी ऑफिसर PO और प्रोबेशनरी क्लर्क क्लर्क की भर्ती निकली है। वैकेंसी जहाँ आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। बात अगर इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 जनवरी 2022 से चल रही है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 11 जनवरी 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 11 जनवरी 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो PO पोस्ट के लिए 36,000 से 63,840 है और क्लर्क पोस्ट के लिए 17,900 से 47,920 है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 28 वर्ष आयु सीमा है।
यूआर कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये फीस है, एसएसटी के लिए 200 रुपये फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। southindianbank.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज के यानी के 9 जनवरी 2022 की टॉप 12 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर सभी के प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं, आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके मन में अभी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।